नालंदा जिला परिषद कार्यालय में बुधवार को वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी ने की। बैठक में डीडीसी वैभव श्रीवास्तव के अलावा नालंदा जिले के कई जिला परिषद के सदस्य उपस्थित थे, जहां 6 मुख्य एजेंडा पर चर्चा की गई, जिसमें पूर्व से लंबित योजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने पर उसे ब्लैक लिस्टेड करने के लिए जिला अभियंता को कहा गया है। 2023 में लंबित योजनाओं को पूरा करने के निर्देश के साथ जिला अभियंता को ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 2021 से कई योजनाएं अभी भी अधूरी हैं। इन लंबित योजनाओं को 2023 में पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिले के विकास के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय नियोजन और लेखा परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्य 6 एजेंडा पर चर्चा किया गया, जिसमें पूर्व से बंद योजना को समय पर कर्ज पूरा नहीं करने पर उसे काली सूची में डालने के लिए जिला अभियंता को कहा गया। 21-22 में कई योजना अभी लंबित है, 19-23 में पूरा करने का आदेश दिया गया। क्या चीज़ की बैठक हुई थी आज?